जो साथी रिकवरी एजेंसी बनाकर काम करना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने करियर को सेट करना चाहते हैं, सक्सेस की ओर जाना चाहते हैं रिकवरी एजेंसी बनाकर, तो आज उनके लिए गुड न्यूज आने वाली है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। रिकवरी एजेंसी आप सबको पता होगा क्या चीज होती है, क्या इसका काम होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। रिकवरी एजेंसी, जिसे हम कलेक्शन एजेंसी भी कहते हैं, गाइज रिकवरी एजेंसी का काम क्या होता है? रिकवरी एजेंसी थर्ड पार्टी के रूप में बैंक के लिए काम करती है, ठीक है। बैंक जब लोन देता है, ठीक है, बैंक के भाई अगर किसी भी एरिया में, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई इस एरिया में काम होता है रिकवरी का या नहीं होता, गाइज जहां बैंक होंगे बैंक वहां लोन देगा, और जहां बैंक लोन देगा वहां रिकवरी का काम आपको मिल जाएगा, ठीक है। गाइज देखो नई अपडेट आई हुई है जो अब सुनने में आ रही है, जो होने भी वाली है आगे, उससे क्या है, जो नए ओनर है रिकवरी एजेंसी के, जो रिकवरी एजेंसी बनाकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है, उन्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है गाइस, बहुत सारे जो कोविड था, जब कोविड के बाद से ना बहुत सारा जो काम है सबका खत्म हुआ, ठीक है, सबका काम जो भी है ज्यादातर काम डाउन हुए, ठीक है। उसी के बीच में जो रिकवरी एजेंसी का काम था ना वो भी डाउन हुआ। देखो हमारा खुद ही, मैं अगर आपको अपना बताऊं, जो हमारा पहले काम 80-90% होता था ना, वो डायरेक्ट हमारा 40-50 के आसपास आ गया था, ठीक है। तो ये चीज देखो डाउन सबका हुआ है काम, तो ये देखते हुए ना रिकवरी एजेंसी ने जो थी बहुत सारी ने काम करना बंद कर दिया था। बहुत सारी एजेंसी ऐसी थी जिन्होंने काम करना ही बंद कर दिया था बैंक के लिए, ठीक है। वहां बैंक को बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि देखो बैंक में एक सीमित स्टाफ होता है, बैंक में जो स्टाफ होता है वो एक सीमित होता है, ठीक है भाई। देखो अगर मैनेजर की ब्रांच है या चीफ मैनेजर की ब्रांच है, तो अक्सर 4 या 5 से ज्यादा, 6 नहीं तो 7 या जो ज्यादातर जो बड़ी से बड़ी ब्रांच होती है ना, उसमें 10 या 11 एम्प्लॉय होते हैं, ये मैंने सबसे ज्यादा बताए हैं, ठीक है। अगर आपकी एक लोकल ब्रांच है, जो भी आपके एरिया में ब्रांच है, उसमें 10 बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको कर्मचारी वहां पर, ठीक है। तो ऐसे में आप काम का फायदा ले सकते हैं, ये चीज होती है गाइस। 10 या 11 लास्ट एम्प्लॉय होते हैं कि भाई इतने होंगे, ठीक है। और ज्यादातर देखो 2-3 से ज्यादा मुझे तो दिखता नहीं कहीं स्टाफ बैठा रहता, ठीक है, मैनेजर हो गया, 2-3 और स्टाफ हो गए, बस ये चीज होती है। तो अब वो लोग तो फील्ड में नहीं भाग सकते, क्योंकि बैंक में एक कलेक्शन का ही काम नहीं होता, बैंक में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। और इस वजह से देखो, जब जो रिकवरी एजेंसियां काम कर रही थी, उन्होंने बहुत सारी एजेंसी ऐसी हैं जिन्होंने बंद कर दिया काम अपना, क्योंकि क्या हो रहा था, मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो हमारे साथ भी हुआ था भाई, जैसे पार्टी जो है, ओनर जो है, जो रिकवरी एजेंसी का ओनर है, वो अपने बंदे भेजते हैं पार्टी के पास, बोरोवर के पास, ठीक है। बोरोवर उसमें क्या करता है, बोरोवर सीधा कहता था यार मेरे पे खाने के पैसे नहीं, मैं आपको कहां से दूं, उसकी सही बात है, ठीक है। जब देखो एजेंसी के ओनर को भी जब ये पता है, क्योंकि काम इस टाइम सबका डाउन है, ठीक है, मैं कोविड के टाइम की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो उस वजह से काम करना बंद कर दिया रिकवरी एजेंसी वालों ने, काम करना बंद कर दिया इसलिए, ठीक है। तो उसके वजह से जो बैंक थे उन पर बहुत प्रेशर आ गया कलेक्शन के लिए, ठीक है। और जब कलेक्शन के लिए प्रेशर आया, तो उन्होंने पता है कुछ एक स्कीम अभी सुनने में आ रहा है हमें, कि भाई जो परसेंटेज हमारी 3-4, 3.5-4 इस तरीके से जो हमें गवर्नमेंट बैंक प्रोवाइड करवा रहा था, अब वो ही 6-7 कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो आपकी कमीशन जो आपको मिल रहा था ना 3% के रूप में या 3.5% जो भी आपको मिल रहा था, वो दुगना हो सकता है गाइस, हुआ नहीं है, ठीक है, ये बात पता चल रही है, सुनने में आ रहा है, क्योंकि हम भी काम करते हैं तो पता चल जाता है कहीं ना कहीं से कि भाई जो आपको कमीशन मिल रही थी ना, तो उससे दुगनी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। और जो देखो जब कंपनियां काम करना बंद कर देती है, तो होता ना सरकार भी हिल जाती है, तो कुछ भी चीज नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब भाई देखो सीधी सी बात है, जब हम कुछ काम कर रहे हैं और हमें फायदा ही नहीं होगा, तो हम क्यों करेंगे, बड़ी सीधी सी बात है। तो ऐसी एजेंसियों के साथ हो रहा था, जब बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा था, लड़कों की सैलरी, लड़कों का कमीशन वो फिक्स है, कुछ देखो जो कमीशन है वो तो दे तभी दिया जाता है जब काम होता है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो सैलरी पे होते हैं, और जब उनकी सैलरी काम ही नहीं आएगा, सैलरी कहां से जाएगी, तो ये चीज है गाइस। तो अब क्या हो सकता है, अब जब जो बंदे पैनल करवा रहे हैं,
जो नई एजेंसी बनाकर काम लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ रास्ता साफ हो जाता है। क्योंकि देखो एक होता है ना कि भाई एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब उसमें पानी की जगह आपको कुछ और सामान भरना है तो पहले पानी निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज से होगा, जब नई एजेंसी तभी काम लेंगे जब पुरानी एजेंसियां निकलेंगे। तो अब पुरानी एजेंसी ऐसी हो रही है जो कोई काम करना बंद भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, मेरे खुद के जानने वालों की ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने काम बंद करा, ठीक है। तो काम इस टाइम मिलना बहुत आसान हो सकता है यदि आप थोड़ी मेहनत करते हो, तो थोड़ी मेहनत करने पे आपको काम मिल जाएगा। क्योंकि और कमीशन भी इस टाइम ऐसा बता रहे हैं, सुनने में आ रहा है गाइस, ठीक है, ये बात ये नहीं कि भाई पक्का ऐसी होना है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो कमीशन आपको मिलता था ना उसका दुगना हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो काम करने में बहुत ही मजा आएगा, रिकवरी का काम बहुत ऊंचे लेवल पे अगर आप करना चाहते हो तो ऊंचे लेवल तक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी अगर इस तरीके से जो ये सोच रहे हैं बैंक वाले, अगर ऐसा होता है तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन के आइकन को ऑन कर दीजिएगा ऑल पे करके, ठीक है। कमेंट भी करके जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, लाइक और शेयर जरूर करना गाइस, क्योंकि आपका एक लाइक किसी को मोटिवेट कर देता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस।